हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे सीधे IRCTC के ऊपर। अगर आज की डेट में देखा जाए तो वैसे तो 2% दिखा रहा है, बट 4% की बहुत बड़ी गिरावट IRCTC में देखी गई है। इसके पीछे क्या रीज़न है वो भी बात करेंगे, क्योंकि एक बैड न्यूज़ कह सकते हैं या नए भी कह सकते हैं, बट उसे देखते हुए उसमें प्रॉफिट बुकिंग करते हुए हमें नज़र आई है। वही न्यूज़ आपको आज और कल की डेट में दिखाई दी थी। ओके, कल की डेट में जिस तरीके से शेयर भागा था, आज की डेट में 4% लगभग गिरता हुआ नज़र आया है। उसी से रिलेटेड बातें करेंगे, उस न्यूज़ से रिलेटेड बातें करेंगे, और क्या हमें करना चाहिए, क्या टारगेट 1500 रुपये तक के शेयर दोबारा आ सकता है, तो उसी से रिलेटेड बातें करेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ। बिफोर दैट, हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा एंकरेज करें इस चैनल को, वीडियोज़ को शेयर करके दूसरों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का और इस चैनल से मिलने वाली नॉलेज का यूज़ कर सके। तो इसके अलावा बात करेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, मैंने आपको कल आपको बताया था, ओके, वीडियो बनाई थी परसों की डेट में, कि वॉरेन बफेट ने एक वीडियो एनुअल लेटर उनका आता है हर साल, तो उसमें लिखा था कि बॉन्ड के लिए बड़ी बात कही थी, तो क्या थी वो मैंने ऑलरेडी बताई थी। और आपको बताया था कि उन्होंने जब कह दिया है डोंट बैट अगेंस्ट योर कंट्री, मतलब अमेरिका के लिए उन्होंने बोला था, तो मैंने यहाँ पर कह दिया था कि डोंट बैट अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि इंडिया बहुत आगे बढ़ने वाला है। तो इसलिए देखिए, मंडे के दिन में आपको भागता हुआ मार्केट दिखाई दिया था। नीचे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक दे रखे हैं, एक एंजल ब्रोकिंग में फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कराने का, और बहुत सारे इसमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं। और अगर बात की जाए श्री राम जी का, यहाँ पर जन्मभूमि पर आपको यहाँ पर मंदिर बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर आप क्लिक करके इनकी वेबसाइट पर ले जाएगा, और आप अपनी इच्छा अनुसार पुण्य काम में मदद कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ। तो जैसे कि पहले भी वीडियो बनाया था, OFS आया था, फिर उसके बाद एक और OFS आया था, और मैंने आपको बताया था 1200 का टारगेट, ओके, तो वो एक मजाक था, ओके, और मैंने आपको बताया था ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि शेयर भागेगा और भागता ही रहेगा, क्योंकि इसके नसीब में अब वही लिखा है जो पेंडामिक था, वो हर एक के लिए था, और शेयर गिरता हुआ नज़र आया वो हर एक के लिए था, क्योंकि शेयर उस टाइम गिरा था। अगर बात की जाए कितना गिरा था, तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं, यहाँ पर शेयर आपको गिरता हुआ नज़र आया था 974 रुपये तक ये शेयर आ गया था, जो कि 1900 तक चल रहा था। अगर 52 वीक हाई की बात की जाए, उस टाइम भी 1970 के आसपास था, और अभी 1988 से आके अभी 1900 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। आज की डेट में 10% के शेयर यहाँ पर आपके उठाते हुए दिखाई दिए, लगभग 26% प्रमोटर्स की होल्डिंग जो कि OFS के बाद घट गई है, ओके, घट गई है ऑलरेडी। FIIs और DIIs की बात की जाए, सारे मोस्टली जो शेयर है सब 32% में FIIs DIIs ने भर जो अपनी झोलियाँ भर ली है, कोई भी शेयर यहाँ गिर भी नहीं, और कंपनी डिविडेंड के मामले में काफ़ी बेहतरीन है। पेंडामिक के टाइम पे भी कंपनी ने देखिए आपको डिविडेंड दिया है, ओके, और अच्छा खासा डिविडेंड देते हुए नज़र आया है। तो शेयर जैसे कि बात कर रहे हैं कि 4%, यहाँ पर 2% दिखाई दे रहा है, बट अगर रियलिटी में बात की जाए तो जो ये शेयर है 4% 4.02% गिरता हुआ नज़र आया है, जो कि इस ऐसे शेयर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर के लिए होना कोई पहली बात तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गिरता रहता है इतना, तो ये शेयर भागता भी है तो गिरता भी है, बट 4% गिरना है, इसके पीछे कोई रीज़न है, तो क्या रीज़न है उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो जैसे कि ये न्यूज़ आई थी, क्या IRCTC के सभी मोबाइल कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट निरस्त, रेलवे ने दिया आदेश। तो रेलवे ने क्या आदेश दिया है, क्या है ये कैटरिंग, तो देखिए आपको देखा होगा, आप ट्रेन में जाते हैं तो वहाँ एक कैंटीन होती है, उसका उसे कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, और उसमें आपको खाना दिया जाता है। बट अभी कंपनी ने कह दिया है, ओके, IRCTC ने कह दिया है, भी हम कुछ ओपन नहीं करने वाले, क्योंकि रेडी टू ईट, क्योंकि कोरोना संकट आ रहा है, कोरोना बढ़ता हुआ हमें दोबारा दिखाई दे रहा है, एज वेल एज कोरोना पहले भी था, इस वजह से यहाँ पर शुरू नहीं किया गया था कैटरिंग का बिजनेस, तो अभी भी थोड़ी देर के लिए बंद ही किया गया है, और कह दिया है रेडी टू ईट जो अपने घर से लाओ, या फिर रेडी टू ईट जो सामान है वो ही बेचो, अभी कैंटीन ओपन नहीं होगी। तो ये आदेश दिए गए हैं हाई कोर्ट की तरफ से, और ये अभी और आगे आने वाले टाइम तक आपको चलता हुआ दिखाई देगा, बट ये टेम्परेली है, इट इज़ नॉट परमानेंट, ओके। और जो भी बता दिया है कि जिन्होंने लाइसेंस लिया हुआ था उनके पैसे उन्हें वापस मिल जाएंगे, तो इसी से रिलेटेड है। सो ये बड़ी न्यूज़ नहीं है, बट इसे देखते हुए थोड़े से बाजार में शायद हलचल हुई होगी, और हमारा जो शेयर है IRCTC, ओके, 4% गिरता हुआ हमें नज़र आया है, बट नॉट एन इशू, क्योंकि IRCTC में पहले भी मैंने आपको बताया है कि बहुत बेहतरीन तो ये शेयर है। पेंडामिक देखिए क्या, जब आया था किस तरीके से भागा था, फिर पेंडामिक आया गिर गया, फिर OFS आया फिर यहाँ पर गिरा,
बट मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि जितना हो सके उतना खरीद लेना, ये शेयर आपको अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न्स देता हुआ दिखाई देगा। किसी ने भी खरीदा होगा तो अच्छे खासे रिटर्न आज की डेट में 32 33 34 45% तक के रिटर्न्स आपको मिलते हुए नजर आएंगे। और आगे भी अगर बाय ऑन डिप्स करने का मौका मिलता है तो बिल्कुल मत चूकिएगा, क्योंकि लोगों ने इसके टारगेट कितने दिए हैं, 2600 2700, और मैं अपना टारगेट 5000 देता हूँ। बट 5000 का मतलब कल ही नहीं है कि कल 5000 रुपये आ जाएगा, क्योंकि एक लिमिट होती है किसी शेयर के बढ़ने घटने की, जिसे अपर सर्किट लोअर सर्किट के नाम से जानते हैं। बट स्टिल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले 3 4 साल में 5 साल में ये शेयर 5000 की तरफ नज़र आता हुआ नज़र आएगा। बट अगर गौरतलब है कि हमें इसमें बोनस वगैरह नाम आते हुए मिले तो। बट शेयर काफ़ी बेहतरीन है, आपको बेचना नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके पोर्टफोलियो में रखने वाला शेयर है। ओके, इसके सामने टेक्निकल्स फेल हो जाते हैं, ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और ये अगर आपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो आपको ये शेयर धीरे धीरे क्वांटिटी उठाते रहेंगे। तो ये शेयर मोनोपोली बिजनेस करता है तो आपको करोड़पति बनाता हुआ नजर आएगा। लार्ज कैप आप देख सकते हैं, लार्ज कैप कंपनी है, 33,000 करोड़ की आरओसी ही 62% है। हमेशा कहता हूँ कि अगर आरओसी ही 30% होता है 10 साल के लिए, 10 लाख 20 साल के लिए 10 लाख रुपए रख लेते हैं, और इस 30% के हिसाब से पैसा बढ़ता है तो आपका कितना पैसा होता है आपको बता देता हूँ, सीधे 100 करोड़ रुपये 20 साल में होते हैं। तो इस चीज़ को बिल्कुल मत भूलिएगा, डेट फ्री कंपनी है, मोनोपोली बिजनेस है, कोई दूसरा बिजनेस नहीं करता। आप टिकट फोन पे से बुक करें या पेटीएम से बुक करें तो आपको ले जाएगा IRCTC की साइट पे ही। ओके, उसका चार्ज आपको IRCTC को ही देना होगा, और IRCTC उस टिकट को बुक करता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए ये शेयर काफ़ी बेहतरीन है, इसे अपनी नज़र में बना के हमेशा रखिए। बाय ऑन डिप्स करने का मौका मिले तो बिल्कुल बनाइएगा। अगर सेल्स की बात की जाए तो पेंडामिक में यहाँ सेल्स कम हो गए थे, बट दोबारा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, जो नेगेटिव में आ गया था फिर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 78 करोड़ का प्रॉफिट। फिर उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर प्रॉफिट की दोबारा ईयरली बेस पे, तो यहाँ पर देखिए कम होता हुआ नज़र आया है, बट दोबारा ग्रोथ में है, जैसे जैसे ट्रेंड चलने लग जाएगी, धीरे धीरे चल भी रही है। तो ये शेयर आपको दोबारा वही प्रॉफिट जो इसका था 2020 में मार्च में, उससे ज़्यादा प्रॉफिट आने वाले 1 साल में या 1.5 साल में या 2 साल में, जैसे भी चाहे आपको मिलता आएगा, मिलता हुआ नज़र आएगा। बट इस शेयर को पकड़े रखना है, बेचना बिल्कुल नहीं है। रिजर्व्स की बात की जाए तो 1177 करोड़ के रिजर्व्स है, कुछ बड़ा ही नहीं है। अगर बात की जाए इन्वेस्टमेंट की, 127 करोड़ रुपये का इस साल इन्होंने इन्वेस्टमेंट सितंबर में किया है। ट्रेडिंग अगर कैश इक्विवेलेंट की बात की जाए तो 1535 करोड़ रुपये का कैश है। एसेट बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 405 करोड़ का इनके पास कैश फ्लो है। अगर बात की जाए तो मार्च में देखिए यहाँ पर आरओसी 63 था, जो कि बढ़ता हुआ हमें कंटिन्यूस नज़र आ रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है, जो कि लास्ट वीडियो में भी आपको बताई थी, कि कुछ हलचलें हुई है यहाँ पर प्रमोटर्स से, मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न से रिलेटेड, और आपको बताया था कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बहुत अच्छी खरीदारी करी है, तो आप भी खरीदारी कर लीजिए। प्रमोटर्स की यहाँ पर बात की जाए, FIIs ने खरीदारी करी है, सॉरी प्रमोटर्स की बात की जाए तो प्रमोटर्स मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेची थी OFS के थ्रू, तो अभी भी 67% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स की है। फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 8% की हिस्सेदारी इन्होंने दिसंबर में बढ़ाई थी। DIS ने देखी यहाँ पर लगभग 6% की हिस्सेदारी बढ़ाई थी, जो कि अभी 7.67% की हिस्सेदारी है। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास केवल और केवल 16% की हिस्सेदारी हमें यहाँ नज़र आ रही है। बाकी सारी शेयर होल्डिंग पैटर्न में सारी हिस्सेदारी किसकी थी, सारी हिस्सेदारी प्रमोटर FIIs और DIS के पास है, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और काफ़ी प्रॉमिसिंग इसके फंडामेंटल्स, इसके हमें फाइनेंशियल नज़र आ रहे हैं, तो इस शेयर को बिल्कुल मत छोड़िएगा। इसके टारगेट कोई 1500 मैंने जो थंबनेल में लिखा था जस्ट फॉर आपको बताने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ओके, डरने की ज़रूरत नहीं है, बाय ऑन डिप्स करिएगा, जब भी आपको नीचे मिले उतनी क्वांटिटी में खरीदेगा, आने वाले टाइम में आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स देता हुआ नज़र आएगा। और यही शेयर है जो जो ऐसे ही शेयर होते हैं जो आपको करोड़पति बनाते हैं। तो कोई भी ये पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछ लीजिएगा, बट मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज हमारे इस चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा, एज वेल एज ताकि आपको अपडेट मिल सके, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने में मदद करिए, ताकि इस तरीके की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, वैल्यूएबल वीडियोस आपके पास लाते रहे, और आपके पोर्टफोलियो में एज वेल एज हम सबके पोर्टफोलियो में एक पॉजिटिविटी नज़र आती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।